Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Oh yes. Students, it's a good news for you that from today we are going to start most important chapter of the first year chemistry, that is electrochemistry. So, in today's lecture, I will discuss some basic terms related to electrochemistry. And onward, we are going to start this chapter. Yaad rakhi, ye chapter kafi zyada important chapter hai, conceptual chapter hai. Isme cheeze samajhna zaruri hoti hai. Otherwise, in cheezon ko yaad rakhna ya isse related jo numericals hain, ye questions hain, unko solve karna bada difficult ho jata hai. ठीक है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको बिल्कुल बेसिक्स से लेके चलें ताकि आपके बेसिक्स बने, हर एक टॉपिक पे, हर एक टर्म्स पे आपकी अच्छी ग्रिप हो, ताकि जो इसके मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना आपके लिए ईजी हो. ठीक है, तो फर्स्ट हम इसको डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, ये क्या है. देखिए, बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड को थोड़ा सा ओपन करें, ये टू वर्ड का कॉम्बिनेशन है. एक वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है केमिस्ट्री. आपने यहां पे इस बात को याद रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये वर्ड इलेक्ट्रो, इट इज रेफरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड द वर्ड केमिस्ट्री इज रेफरिंग केमिकल एनर्जी. ठीक है, कि इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री मीन केमिकल एनर्जी. तो अब हम यहां से ये कहते हैं कि एक ऐसी साइंस, एक ऐसी केमिस्ट्री जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के मेथड को स्टडी किया जाए, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जीज is takes place. या आप ये कह लो कि इस स्टडीड, या टेक्स प्लेस में कहें, आप कहें कि इज स्टडीड, कि एक ऐसी ब्रांच जहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के मैथड्स को स्टडी करते हैं और केमिकल एनर्जी को वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के मेथड्स को स्टडी करते हैं, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इसमें हम ये जानेंगे कि एक केमिकल के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है उससे कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाए, और इसी तरह से किसी इलेक्ट्रिकल चार्जेस में, या कोई कहीं पे कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम कैसे किसी केमिकल में स्टोर करें. तो इन तमाम प्रोसेस को स्टडी करना, इन तमाम प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना, ये क्या कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. अगर हम रूटीन लाइफ के लिहाज से इसको देखें, जैसे स्टूडेंट्स इस केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उनको बड़ी एक डिफिकल्ट साइंस लगती है, लेकिन हमारी डेली लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड ये साइंस है, ये केमिस्ट्री है. अगर आप मोस्ट पर्टिनेंट एग्जाम्पल की बात करें, आपके सेल फोन से लेकर आपकी व्हीकल तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की. अगर आप देखें आपके सेल फोन में जो रिचार्जेबल बैटरी होती है उसमें कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, क्या प्रोसेस टेक प्लेस हो रहा होता है, क्या फिनोमेना इन्वॉल्व होता है, दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं, स्विच ऑन करते हैं और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए गाड़ी की बैटरी रिक्वायर्ड होती है. And that battery is basically operated by the phenomena, our concepts, our processes related to electrochemistry. तो अगर electrochemistry ना हो तो हमारी daily life की बहुत सारी ऐसी applications हैं जो भी ना हो.
लिहाजा इसको आपने कोई इतना ज़्यादा मुश्किल साइंस नहीं समझना इसको। आप मैं इंशाल्लाह कोशिश यही रखूँगा कि आपको डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स लेके चलो, ठीक है। अमूमन आप लोग टार्च यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रूमेंट में आप सेल यूज़ करते हैं, दीज आल आर द आउटकम्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इसके बाद हम यहाँ पे कुछ एक बेसिक टर्म्स की आज के लेक्चर में बात करेंगे जो आगे के टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो उन पर बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहली टर्म जिसका आपको पता होना ज़रूरी है और मोस्ट ऑफ दी लोगों को ये बात पता होगी, फर्स्ट इज कंडक्टर। ये पहली चीज़ है, आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ये चीज़ पढ़ते हैं कि मटेरियल दो तरह के होते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, ठीक है। तो याद रखें कंडक्टर का मतलब ये होता है कि ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करें, या जिन मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके उनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स, ठीक है। तो आप आसान लफ्जों में क्या कहें, मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट पासेस, ऐसे मटेरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो उनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। चाहे ये मटेरियल सॉलिड स्टेट में हो, चाहे ये लिक्विड स्टेट में हो, ठीक है, चाहे लिक्विड स्टेट में हो चाहे सॉलिड स्टेट में हो, इनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें कॉपर वायर, या अमूमन कॉपर वायर्स जो इलेक्ट्रिसिटी के फंक्शंस में यूज़ हो रही होती हैं, ऑपरेशंस में यूज़ हो रही होती हैं, उनमें कॉपर वायर्स, ठीक है, ये कंडक्टर्स हैं, सॉलिड मेटेलिक वायर्स हैं जो कि कंडक्शन का काम करती है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ऑन दी अदर हैंड आपने पढ़े होंगे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, या आप ये कह लें इलेक्ट्रोलाइट। अभी मैं इसमें बात करता हूँ, दूसरी टर्म यही है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे मटेरियल्स हैं जो लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपने जहन में रखनी है। तो अब हम दूसरी टर्म पर आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, देखें एक वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है लाइट, और लाइट बेसिकली लाइसिस को रेफर कर रहा है यहां पे, इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलाइट, यहां पे क्या इसका मतलब होता है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। तो यहां से इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐसा केमिकल जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए सॉल्यूशन स्टेट में, कोई भी ऐसा केमिकल जब उसको मोल्टन स्टेट में रखें या सॉल्यूशन उसका बनाएं तो वो अपने आयंस में कंप्लीटली या पार्शियली डिसोसिएट हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि सब्सटेंसेस विच गेट dissociated, which get dissociated into its ion in solution are molten state. ऐसे आयन जो solution में या molten state में ions में change हो जाए उनको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। अब जब आयंस बन गए, पहले वो सॉलिड है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें NaCl, सोडियम क्लोराइड, ऐसा हम सॉलिड पीस लें तो उसमें आयंस टाइटली बाउंड है, कोई आयन फ्री नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। लेकिन जैसे ही NaCl सोडियम क्लोराइड का आप सॉल्यूशन बना दें तो क्या होगा, वो बड़ी इजीली इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगा।
तो इट्स मीन NaCl मोल्टन स्टेट में या सॉल्यूशन स्टेट में कंडक्टर है और सॉलिड स्टेट में कंडक्टर नहीं है, तो लिहाजा हम उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आपने ध्यान में रखनी है कि सब्सटेंस विच इज कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट, जो मोल्टन स्टेट आर इन सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में कंडक्टर हो, उसको भी हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब यहां पे मैंने आपको कहा ना कि ये जो ब्रेक डाउन या डिसोसिएशन है, या तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगी या पार्शियल डिसोसिएशन होगी, तो इसके बेस पर इलेक्ट्रोलाइट की दो टाइप्स हैं, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट आप आगे जाके पढ़ेंगे। एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और दूसरा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये जो क्लासिफिकेशन की जा रही है, वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम कह रहे हैं, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन कि कोई केमिकल किस हद तक डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो अब आपने ध्यान में रखना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यह है कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीट डिसोसिएट ना हो। जब उसका आप सोल्यूशन बनाए तो जितनी अमाउंट आप उसकी ले रहे हैं वो सारी की सारी अमाउंट डिसोसिएट ना हो, उसके कुछ मॉलिक्यूल या कुछ कंपाउंड अपने आयंस में टूट जाए, कुछ कंपाउंड्स अपने आयंस में ना टूटे, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट पार्शियली इनटू इट्स आयंस, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो अपने आयंस में पार्शियली डिसोसिएट हो। अब देखें इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये ध्यान में रखें कि जैसे आप कहते हो कि कोई आयंस है उसकी कोई कंपाउंड है, उसके आपने 100 मॉलिक्यूल लिए। अब पार्शियली डिसोसिएट होने का मतलब ये है कि 100 में से 10 डिसोसिएट हो जाए 90 ना हो, 20 डिसोसिएट हो 80 ना हो, तो मेजॉरिटी अमाउंट उसकी ऐसे ही रहे, थोड़ी सी अमाउंट उसकी डिसोसिएट हो जाए। फॉर एग्जांपल हम ये कहें CH3COOH, या इसी तरह हम ये कहें NH4OH, तो दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर पार्शियली डिसोसिएट की बात कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएशन। तो ध्यान में रखना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट कि जिसकी जितनी भी आप अमाउंट लें वो सारी की सारी अमाउंट क्या हो जाए, अपने आइंस में ब्रेक हो जाए, टूट जाए, उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो आप आसान लफ्जों में इसको डिफाइन करें कि इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू इट्स आइंस इन सॉल्यूशन स्टेट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे देखें हम क्या कहते हैं, आपके पास एग्जांपल HCl, NaCl, MgOH, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ करंट पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट को पास कर रहा है इसका मतलब है उसमें आयंस ज्यादा हैं, और आयंस के ज्यादा होने का मतलब है डिसोसिएशन ज्यादा हुई है, और अगर कम
करंट पास कर रहा है, इसका मतलब उसमें आयंस क्या है, कम है, और डिसोसिएशन क्या हुई है, कम हुई है। तो करंट अगर ज्यादा पास हो रहा है तो इसका मतलब है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, और करंट अगर कम पास हो रहा है तो इसका मतलब है वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक हो गया। अब यहां पर एक और टर्म है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। ये अक्सर लोग इस टर्म्स को या इस टर्म को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं करते। इलेक्ट्रोलिसिस, देखिए ये सिंपल है, दो वर्ड है, इलेक्ट्रो और लाइसिस। आप इसका मतलब, ये इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। और जब केमिकल की ब्रेकडाउन का हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं। तो अब आप यहां से इससे मुराद क्या लें, करंट लें, और इससे मुराद क्या लें, केमिकल चेंज लें। जब आप किसी सॉल्यूशन से करंट पास करें और उसमें केमिकल चेंज आ जाए उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज, प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज इज टेक्स प्लेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करने से केमिकल चेंज आ जाए उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। अभी तक आपने सिर्फ इस बात को ध्यान में बिठा लेना है, लेटर ऑन जब हम मेन टॉपिक्स पे बात करेंगे तो वहां पर ये बात क्लियर हो जाएगी कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करने से केमिकल चेंज टेक प्लेस होती है। तो आई होप ये बेसिक टर्म्स आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दीज टर्म्स, दीज बेसिक टॉपिक्स, यू कैन मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू वेरी मच।